reached our first stop of the day and this is the place called Hunger Strike जो कि मोमोज के लिए काफी फेमस है दिल्ली में तो मैंने सोचा मोमो से शुरुआत करते हैं आज तो मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए तंदूरी चिकन मोमोज एंड अफगानी चिकन मोमोज एंड आई कांट वेट टू सी हाउ इट टेस्ट बस रुकते रुकते देखो ये क्या दिखा मुझे तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर लेके नाम बोले का रगड़ू माल मन में ना है कोई ख्याल रोल करके मारा दम तो धुआं धुआं आंख लाल ओके सो आ गए हैं मेरे मोमोज ये है तंदूरी मोमोज गाइस और इसमें 5 पीसेस रहते हैं उसके साथ मिलती है 2 चटनी एक तीखी वाली और एक मिंट वाली ट्राई करने से पहले एक नजर स्टफिंग पे देना तो बनता है तो देखते हैं कैसी है स्टफिंग लाइक वाओ जस्ट लुक एट दिस कैसे भर भर के मिर्च चिकन दी रखी है तो इसको मैं भी करती हूँ टेस्ट Guys, it's really, really good. If you are in that area, you should definitely visit this place. It's like beyond my even expectations. And you know the outer layer, it also seems like it's made of chicken. It is that good. Aap mere paas aa gayi hai Afghani's chicken momos. So without wasting any more time, let me taste that and tell you wo kaisi bani hai. यार ये मोमोज कितने अमेजिंग है आई मीन दीज आर लिटरली वर्थ गेटिंग फैट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द योगर्ट क्रीम एंड ग्राउंड स्पाइसेस लैदर्ड विद द रोस्टेड मोमोज ये क्या अमेजिंग टेस्ट लाते हैं आपके मुंह में आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स And of course, as you can see, the stuffing is also quite rich. एकदम तंदूरी मोमो जैसा ये एकदम भरा पड़ा है चिकन मुझे खा के तो बड़ा ही मजा आ गया और ये खत्म भी हो गया ये तो चलते चलते फाइनली पहुंच गई शर्मा चाट भंडार में जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे तो यहाँ पे मैं खाने वाली हूँ सबसे पहले भल्ला पापड़ी चाट पहली बार सुन रही हूँ नाम गाइज आई हैव नेवर हैड दिस चाट बिफोर तो आइए देखते हैं ये चाट बनती कैसे है ये दही और चिली वाली सॉस और ऊपर से फिर से मीठी वाली सॉस ये आ गई मेरी भल्ला भल्ला पापड़ी बोल भल्ला पापड़ी अच्छा ट्राई करेंगे हम उनकी फेमस आलू टिक्की छत तो ये बन रही है हमारी आलू टिक्की फ्राई हो रही है एकदम मस्त तेल में दिखने में तो काफी अच्छी लग रही है आई होप टेस्ट भी अच्छा करे तो देखिए देखिए आ गई है आलू टिक्की छत मेरे हाथ में अब करते हैं टेस्ट हम साथ में ओके सो इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है बस मसाला लगा के रख दिया और फ्राई कर दिया थोड़ा सा बस इतना ही है इट्स फाइन बट आई थिंक दैट वाज बेटर यू नो उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे मन किया कि मैं आलू टिक्की को वो जो लेफ्ट ओवर मलाई थी भल्ला पापड़ी चाट की उसमें डुबो के टेस्ट करके देखूँ और एक्चुअली आई डिड दैट एंड इट टर्न आउट टू बी प्रिटी गुड वियर्ड बट गुड
Okay, then we reached to this place called the Biryani Corner, which is really famous for its shawarma rolls and biryani, of course. And here we are going to try the shawarma because we are too full to try the biryani. पीटा ब्रेड है या रोटी है? ये रोटी सूजी वाली होती है। अच्छा। इसको चपाती बोलते हैं। चपाती। चपाती रोटी। So guys, here is my review of the shawarma rolls and please understand that this is not from a food blogger's perspective because I'm not one. I'm just a foodie who loves eating. So whatever I'm going to say, it's based upon how my taste buds reacted to it. All right. So yeah, I'm very sad to say that I did not like the food. Okay. Like, I think the mayonnaise was not enough. There was not enough spices. The chicken was a bit chewy and I did not like the taste. I found it actually very bland. So it is a big no-no for me. So guys, we have reached the last leg of this food journey and main aapko bhi leke aayi hu mere favorite jagah pe jo hai Moolchand Paratha. Ji haan guys, this has been in Delhi for more than 50 years now. Non-veg, veg, dono options aapko mil jayenge yahan pe aur kaafi affordable prices mein. For example, maine abhi ordered kiya hai paneer ka paratha aur aloo ka paratha. Paneer ka paratha hai 60 rupees. आलू का पराठा है सिर्फ 35 रुपीज़. तो या इट्स क्वाइट अफोर्डेबल आई फील एंड ऑल्सो क्वाइट वेरी टेस्टी. तो ये है पनीर का पराठा और आलू का पराठा एंड दे आर सर्व्ड विद द मिंट एंड योगर्ट चटनी एंड पिकल्स अलोंग विद चॉप्ड ऑनियंस जो बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं पराठे के टेस्ट को और उसके स्पाइसिस को. So I really love that. Also the parathas are quite big. So ये काफ़ी fulfilling होता है आपके मतलब breakfast करने जाओ आप lunch करने जाओ आप dinner करने जाओ it's quite fulfilling I feel. लेकिन खाने से पहले उसमें थोड़ा मलाई मार के खाए तो यार पंजाबी वाली फील आती है ना बहुत. मुझे तो काफ़ी पसंद है बटर टो. If you're someone who is not diet conscious like me तो आप definitely ये step ले सकते हो. और ये काफ़ी गर्म गर्म आई है तो मैं taste करती हूँ अभी जल्दी. और यार मैं तो फिर से प्यार में पड़ गई यार कितना अच्छा है ये. मतलब सीरियसली मैंने बहुत जगह में पराठे खाए हैं लेकिन यहाँ का जो पराठे का टेस्ट है आई स्वेयर बाय इट लाइक आई एब्सोल्युटली लव इट. आप स्टफिंग भी देख लो एकदम एक्स्ट्रावेगेंट स्टफिंग है पूरा थूस थूस के आलू बना के दिया है मतलब कोई कंजूसी नहीं की है बाय गॉड. तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे. और ये साथ में पनीर का पराठा आप देख लीजिए यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने मिंस्ड पनीर पूरा स्टफ करके दिया हुआ है मतलब कोई मतलब आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स आई डोंट हैव एनी कंप्लेन्स आई रियली लव इट. हाँ ये है कि थोड़ा ज़्यादा ऑयली है उसके ऊपर से बटर लगा रहे हैं तो मतलब हम जैसे मोटे लोग तो बस मोटे हो जा रहे हैं लेकिन आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट बिकॉज द फूड इज ऑसम. So on this good, happy and delicious note, let me end this video for now. But I will be back with another video super soon. So do subscribe to my channel so that you get more updates. I love you all. Thanks, Sara Pyar. See you soon.